तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरह के एरर देखने को मिलता है, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन, अगर आपको ऐसा एरर देखने को मिलता है, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब आप अपने गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है, समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन। अगर आपको इस तरह का एरर दिखाई जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई जाती है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब आप जो है प्ले स्टोर ऐप को ओपन करते हैं और अगर आप किसी ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं और अगर आपको कुछ इस तरह का एरर दिखाया जाता है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपके सारे मोबाइल के डिवाइस के जितने भी ऐप हैं, सारे ऐप आपको यहाँ पर मिलते हैं, उस ऑप्शन पर आपको चले जाना है, ऐप लिस्ट, ऐप मैनेजमेंट, ऐप इन्फो पर। उस पर जाने के बाद आपको ऐप लिस्ट पर क्लिक करेंगे और ऐप लिस्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ऐप को सर्च करना है। गूगल तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, गूगल प्ले सर्विस, गूगल प्ले स्टोर। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, उस पर क्लिक करेंगे, स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैच करना है और आपको क्लियर डाटा भी कर लेना है। क्लियर डाटा करने के बाद आपको यहां से बैक लेना है। बैक लेने के बाद आपको यहां पर गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक कर देना है। गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लियर कैच कर देना है इसका, और इसका आपको क्लियर डाटा भी कर देना है। जब आप इसके कर देंगे, करने के बाद आपको यहाँ से इसको हटा देना है। जैसा आप इसको हटाएंगे, इसको हटाने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जो जीमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उसको जगह आपको चेंज कर लेना है। तो यहाँ आपको आपकी दूसरी जीमेल आईडी को सर्च कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको जो है इस कोई भी ऐप को जब आप डाउनलोड करके देखेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। Thank you watching in this video.